नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। अंबाला छावनी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में पूरे हो चुके विकास कार्य, चल रहे विकास कार्य और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ढीली कार्यप्रणाली को लेकर कई अधिकारियों को चेतावनी देते हुए भी नजर आए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चाय पे चर्चा कार्यक्रम में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक लतिका शर्मा मौजूद रहीं। कालका देवीदास रोड पर महामंत्री युवा मोर्चा मंडल चरणप्रीत सिंह, भाजपा नेत्री व समाज सेविका शालू धीमा ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। हरियाणा सरकार में शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कालका विधानसभा में तूफानी दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। शिक्षा मंत्री का कालका विधानसभा में निकाय चुनाव के सिलसिले में एक दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम था। शिक्षा मंत्री ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान विधानसभा में दर्जनों भर कार्यक्रमों में शिरकत की। कंवरपाल गुर्जर के द्वारा रखे गए चाय पर चर्चा कार्यक्रम बड़ी जनसभाओं में तब्दील हो गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और शहरवासी शामिल हुए। हालांकि अभी निकाय चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, मगर आने वाले दिनों में इनकी घोषणा कभी भी हो सकती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले लोगों के काम सिर्फ सिफारिश पर हुआ करते थे, मगर अब हमारी सरकार आने के बाद लोगों का समान विकास हुआ है और सरकार द्वारा किए गए कार्य से लोगों के बीच में खुशी व उत्साह है। वहीं पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कुछ ही दिन पहले ही कालका क्षेत्र के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की घोषणा की गई है और कालका क्षेत्र का लगातार विकास भी हो रहा है। लतिका शर्मा ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का क्षेत्रवासियों की तरफ से नगर परिषद में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की घोषणा करने पर धन्यवाद दिया। देखिए 134 है, हमने समाप्त कर दिया, उसकी जगह आरटी हमने लागू कर दी। आरटी लागू हमने इसलिए की क्योंकि उसमें डबल से भी ज्यादा एडमिशन होते हैं, उसमें 25% एडमिशन हो सकते थे और 134 में 10% होते थे, और आरटी में 60% खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40 हमें देती है। तो इसको देखते हैं हमने आरटी को लागू किया, 134 समाप्त है इस टाइम, दोनों चीज़ों को लागू कर भी नहीं सकते, आरटी भी और 134 दोनों इकट्ठे लागू नहीं किए। लेकिन क्योंकि जो अपने एडमिशन पहली क्लास में उतराए हैं उससे बड़ी जो क्लास है दूसरी से लेकर 12वीं तक की, उसमें एक समस्या सामने आई थी उन बच्चों का क्या होगा, तो इसलिए हमने एक नया नियम बनाया और जो बच्चे गरीब हैं जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, तो अगर ऐसे बच्चे कोई प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं उनको एक टेस्ट देना पड़ेगा और हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करके उनका एडमिशन कराएंगे। और उसके लिए हमने एक नया तरीका ये किया कि जहाँ पहले जिस बच्चे के लिए हम 300 रुपये देते थे पहले से 5वीं के लिए, हमने उसका फीस बढ़ा के 700 रुपये कर दी, और जो 6वीं से 8वीं तक के थे उनकी हमने 500 से बढ़ा के 900 कर दी, और जो 9वीं से 12वीं तक के थे जिसकी पहले हम 700 रुपये देते थे उसकी बढ़ा के हमने 1,100 कर दी। और इतने अमाउंट पे लगभग जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लगभग तैयार हैं पढ़ाने के लिए, तो हम बातचीत करके उनके एडमिशन करेंगे, क्योंकि हम एक को ही लागू कर सकते हैं, आरटी को लागू कर सकते हैं 134 को, तो हमने नियम के अनुसार हमने आरटी लागू कर दी, ये हम बातचीत करके एडमिशन कराने का काम। आज आप यहाँ सूरजपुर से लेके कालका तक सब जगह घूमे, तो आपको कैसा लगा आज यहाँ का? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जहाँ पार्टी का जो था मेरे लिए जो मैं कहा था उन्होंने कहा था कि कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने चाय पी के आनी, तो चाय पीने की बजाय जहाँ जहाँ भी हम गए लगभग हर जगह 250-300 कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे और हमने जो बातचीत रखी कार्यकर्ताओं को बड़ा उत्साह। कहते हैं कि किस्मत का पता नहीं कब लॉटरी लग जाए, कभी ना कभी इंसान की जिंदगी में अच्छा दिन आता ही है। ऐसा ही वाक्या उस समय देखने को मिला जब एक चाय वाले खोखे पर खेल मंत्री संदीप सिंह का काफिला अचानक रुक गया। एक बार तो चाय वाला मंत्री को सामने देखकर हैरत में पड़ गया, लेकिन जब उसे पता चला कि मंत्री उसकी मदद के लिए आए हैं तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। ढांड रोड पर कैंची चौक के निकट स्थित सुशील कुमार चाय की दुकान करते हैं और इसी दुकान से उनके परिवार का गुजारा होता है। दुकान भी कच्ची हालत में है। यहाँ से गुजरते समय खेल मंत्री संदीप सिंह की नजर अचानक उसकी दुकान पर पड़ गई और उस समय मंत्री गांव व असमानपुर के दौरे पर थे और वापस लौटते समय खेल मंत्री ने काफिला चाय वाले सुशील की दुकान के सामने रुकवा लिया और उसे बातचीत करने पहुंच गए। सुशील ने मंत्री को बताया कि पिछले कई दशकों से वह यहाँ चाय की दुकान चला रहा है और इसी दुकान से उसके परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, बरसात के समय में दुकान में पानी भर जाता है। इस पर खेल मंत्री ने तुरंत BDPO को फोन करके दुकान के सामने ब्लॉक लगाकर पक्का करने के आदेश दिए और सुशील कुमार को 1,00,000 की मदद भी दी। इतना ही नहीं, खेल मंत्री ने उनके हाथ से बनी चाय भी पी और उनके साथ जितने भी लोगों ने चाय पी उनका बिल मंत्री संदीप सिंह ने ही चुकाया। मैं निकल रहा था यहाँ से तो
मेरे को लगा कि काफी यहाँ लोग चाय पीने आते हैं, देखता रहता था मैं दो तीन बार जब निकला तो यहाँ पर जब मैंने रुका तो उससे पूछा कि उसके परिवार में 11 लोग रहते हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है, तो आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपए मैंने इनको दिया जिससे कि अपना कारोबार जो है चाय की दुकान जो है उसको और अच्छा कर सकें, जिससे कि इनका कारोबार बढ़े और बिजनेस करके ये अपने परिवार को और अच्छा पाल पोस सकें। बात करते हैं, बहुत हमारी इमदाद की है जी, धन्यवाद मंत्री जी। कितने साल से आप यहाँ कर रहे हैं? मैं 50 साल से यहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो पहले कौन करता था यहाँ? मेरा बड़ा भाई था जो अम्बाड़े रहता है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका जी? उसका नाम सतपाल है जी। आपका? मैं नाम सुशील कुमार है जी। कैथल जिले का एक मात्र ऐसा विशेष स्कूल जहां पर दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। यह स्कूल आनंद एजुकेशन एंड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था। प्रिंसिपल कुसुम देवी ने पत्रकारों को बताया कि स्कूल में मूक बधिर, दृष्टिहीन, मानसिक मंद व मस्तिष्क वाले दिव्यांग बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक विषय के आधार पर, शिक्षा व खेल के आधार पर भविष्य निर्माण करवाया जाता है। स्कूल में छात्रावास का भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें अधिक दूरी वाले छात्रों को स्कूल के छात्रावास में सुविधा मुहैया कराई जाती है। यहाँ पर बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती है और किस तरह के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं? सर, यहाँ पे 5 तरह के डिसबिलिटी के बच्चे हमारे पास हैं, जैसे डिफोंडम हो गया और मेंटली टैडिड हो गए, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और ब्लाइंड बच्चे। सर, हमारे पास सभी जो टीचर हैं वो स्पेशल एजुकेटर ही हैं, क्योंकि नॉर्मल टीचर इनको हैंडल नहीं कर सकते बच्चों को। जिन टीचरों ने 2-2 साल के डिप्लोमे कर रखे हैं, एक्सपीरियंस है, उन्हीं को हम यहाँ रखते हैं। और सर, जो HIV बच्चे हैं उनको उनकी प्रॉपर लैंग्वेज साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज के थ्रू ही उनको पढ़ाया जाता है। ब्लाइंड बच्चों को सर पहले ओरल करवाया जाता है, उसके बाद उनको ब्रेन लिपि के द्वारा करवाया जाता है। उससे जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही उनकी क्लासेस चलते हैं और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही उनकी जो एक्टिविटी होती है वो हम करवाते हैं। तो मैम ये बताइए, स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है? सर, स्कूल के अंदर मेन तौर पे तो जो हम शिक्षा का एजेंडा लेके जो एजुकेशन के द्वारा बच्चों को मुख्य धारा से समाज के हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, वही है सर। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एवं ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडले ने महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा एवं विधायक रवि राणा के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाराष्ट्र के DGP रजनीश सेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। हरियाणा के अम्बाला की CJM अदालत में वीरेश शांडले के एडवोकेट सुमित शर्मा द्वारा पूरे विश्व के हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व DGP महाराष्ट्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अदालत में इस मामले के दर्ज होने के बाद अमरदीप सिंह ने शिकायतकर्ता वीरेश शांडले को इस मामले में साक्ष्य पेश करने के आदेश दिए हैं। वही शांडले ने देश के राष्ट्रपति व महाराष्ट्र के राज्यपाल से मांग की है कि जो सरकार हिंदुओं के खिलाफ और हनुमान चालीसा को लेकर ऐसी सोच रखती है, ऐसी सरकार को भंग करना चाहिए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वीरेश शांडले जी, क्या कारण रहे हैं आपने आज आपको उद्धव ठाकरे और DGP महाराष्ट्र के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? देखिए, देश का माहौल बड़ी ताकतें खराब करने की कोशिश कर रही हैं और हिंदुस्तान की धार्मिक भावनाएं, 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिशें रची जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा, हनुमान भगवान हनुमान जी हमारे हर वक्त अंग संग रहते हैं, उनके हनुमान चालीसा बोलने के ऊपर जो है एक MP नवनीत राणा और उसके पति रवि, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। तो हमने आज माननीय CJM अमरदीप की जी की कोर्ट में 295A का धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दायर किया, जो मेरे एडवोकेट जो है सुमित शर्मा उनकी टीम ने दायर किया है, और उसमें माननीय जज साहब ने 7 जून के लिए मेरी एविडेंस को निर्धारित कर दिया। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, महाराष्ट्र में परसों बम्बई भी जा रहा हूँ, इस लड़ाई को लड़ूंगा। और हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी के चालीसा गाने के बारे में जो व्यक्ति, जो सरकार इस तरह की सोच रखती है, मैं मांग करता हूं भारत के राष्ट्रपति से, मांग करता हूं महाराष्ट्र के राज्यपाल से कि ऐसी सरकार को बर्खास्त कर वहां प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए। किसी कीमत पर भी हनुमान चालीसा बोलने वाले और बजाने वाली सरकारों को, मना करने वाली सरकारों को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ब्राह्मण महापंचायत बर्दाश्त नहीं करेगी। अनिल खत्री, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन ने अम्बाला छावनी के वॉर हीरो मेमोरियल स्टेडियम में बने ऑल वेदर स्विमिंग पूल का दौरा किया। वह मौके पर अम्बाला तैराकी संघ के पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे।
दौरा करने के बाद स्विमिंग पूल की व्यवस्था देखकर वह बहुत खुश हुए और मंत्री अनिल विज का धन्यवाद भी किया। खत्री हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और हरियाणा ओलंपिक जो अभी इलेक्शन हुआ था उसमें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ पे अम्बाड़ा हमारा राजेंद्र विज जी हैं जो हमारे बड़े भाई, हमारे स्विमिंग के ही चेयरमैन नहीं डिस्ट्रिक्ट के, ये हमारे 10-11 खेलों के यहाँ चेयरमैन हैं जो गेम को देख रहे हैं। इनसे बात हुई मेरी, इन्होंने कहा कि एक बार विजिट करके देखो आप स्विमिंग पूल पे कैसा क्या माहौल है, कैसा बनाया है हमने। तो एक एक चीज़ इन्होंने सेलेक्ट करके और टाइल भी कलर जो सेलेक्ट करके, मैं तो आज भौचक्का हूँ ऐसा देख के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग का, जो हमारे हरियाणा में क्या हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो अम्बाड़ा ज़िला था वो काफ़ी सन 2000 से पहले जब हम भी स्विमर थे तो उस टाइम पे अम्बाड़ा के काफ़ी बच्चे स्विमिंग में अच्छा परफॉर्म करते थे। जैसे हमारे अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अपने सेक्रेटरी मदन मोहन जी हैं, उनका बेटे भी स्विमर थे, तो ये खुद भी स्विमर थे और अम्बाड़ा से काफ़ी स्विमर हमारे हरियाणा स्टेट से नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी थे। कब तक शुरू हो जाएगा ये? अभी तो काम तो फिनिशिंग हो चुकी है इसकी, काम की ये बताएंगे हमारे यहाँ जो चेयरमैन हैं राजेंद्र विज जी, ये बताएंगे काम कब तक यहाँ फिनिश होगा। लेकिन हमारा अभी नेशनल गेम्स के लिए मैंने देख लिया दौरा करके, पूरा फुल एंड फाइनल है नेशनल गेम के लिए, और ये हम ही बोल सके नहीं, पूरा इंडिया देख के ताजुब करेगा कि ऐसा स्विमिंग पूल ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अम्बाड़ा में जो तैयार किया है। राजौत के पास खेतों में आग लग गई, आग संदोख माजा से शुरू हुई और हवा के कारण आगे फैलती गई, जिसके बाद आग ने करीब 300 से 400 एकड़ में खड़े फाने अपने चपेट में ले लिए और चलकर राख हो गए। इसके बाद आग पर 4 घंटों के बाद काबू पाया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसके अंदर पानी नहीं था। किसानों ने कहा कि यदि पानी होता तो आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। किसानों ने कहा कि अब वे साल भर अपने पशुओं को चारा कहां से खिलाएंगे। आज आग कैसे लग गया, क्या हो गया था, क्या मामला था? खेड़े की तरफ से आग आई थी जी, यहाँ फिर पुलिस प्रशासन भी आया, पुलिस की गाड़ियाँ भी आई हैं और जो मौके पर आई फायर ब्रिगेड की, यहाँ आते ही उसका पानी ख़त्म हो गया। पानी लेने के लिए गई, तब तक ये मेरे 25 किले थे, एक किला भी नहीं बचा पाए जी पूरा। कहाँ से आग लगी है ये? खेड़े की तरफ से आई है, संतोख माजरा से इधर से लगते हुए यहाँ आई थी। अब देखो मेरा तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया जी, इसमें एक भी ट्राली चुड़ी की नहीं बनाई थी, ये खेत रहा है आप देख रहे हैं, जल रहे हैं मेरा इधर सारा, ये इधर से ही दिया। कितने फायर ब्रिगेड मौका पर पहुँची हैं? बस एक गाड़ी आई थी, वो भी खाली आई, उसमें थोड़ा ही पानी था, पानी उसका ख़त्म हो गया और उधर से जानते हुए आए होंगे उनका ख़त्म हो गया। क्या नाम है जी? शीश कुमार है जी मेरा। निसिंग क्षेत्र के गांव गोंदर, गोविंदगढ़ और डाचर और अन्य कई गांव में सोमवार रात को आग ने खूब तांड मचाया। अलग अलग स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई। आगजनी की घटनाओं के दौरान किसानों की तुड़ी फाने और कूप जलकर राख हो गए। अकेले गोंदर गांव में ही किसानों ने बताया कि गोंदर गांव में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किसानों ने खेत में मकानों के अंदर तुड़ी डाली हुई थी और वह भी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि तेज हवा के कारण आग चारों तरफ फैल गई। रात को थाना निसिंग पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन आग ज्यादा फैल जाने के कारण काबू नहीं हो पाई, इसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं हल्का पटवारी प्रदीप कुमार भी मौके पर खेतों में पहुंचे और किसानों के नुकसान का जायजा और कहा कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, जल्द ही इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। तेरा तो ट्रालियों का नुकसान है जी, अरे बच्चे बच गए, डांगर बच गए, बस वॉशिंग मशीन अंदर डेरे के अंदर आग भी आगे चली गई थी, टुल्लू पंप बोर स्टार्टर सब खत्म है। आग किन कारणों से लगी थी आपको पता किसी चीज़? ना आग का कोई कारण का नहीं पता जी, आग किस कारण से लगी है, आग काफी दूर से चली आ रही थी लंबी। तो यहाँ पर दो बच्चे वगैरह सब यहीं पर रहते हैं आपको? हाँ, किस तरह से आग, किस तरह से काबू पाया आग पर, या फायर ब्रिगेड को बुलाया है या किस तरह? कोई नहीं आया जी, गांव ने साथ दिया, गांव के लड़के आए हैं, कम से कम 50-60 लड़के आए, उन्होंने पानी का उसकी वजह से आग जी काबू करी। काफी लंबी आग थी, अब तक भी चल रही है आग खेतों में, जहाँ पर रात को आग ने खूब तांडव मचाया और तांडव ज्यादा यहाँ पर जो खेतों में किसानों ने अपनी जो तूड़ी को अंदर रखा था, मकानों के अंदर रखा हुआ था, खूब बांधे हुए थे, लेकिन सब जल खो गए। हवा तेज थी, भी तेज थी,
लेकिन आग के कारणों का भी पता नहीं चला। और यहाँ पर हल्का पटवारी यहाँ पर पहुंचे हैं प्रदीप कुमार जी, उनसे बात करें। प्रदीप कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या आपने क्या देखा है, कितना नुकसान यहाँ पर हो किसानों का? नमस्कार जी, जैसे कि मेरे को पता लगा रात किसी साहब के पीएगा सीए जी से बात हुई थी मेरी, और 1 बजे के आसपास मैं यहाँ मौके पर आ गया था जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली इसकी। और थोड़ा लेट होने का कारण ये भी रहा क्योंकि मेरे घर में भी थोड़ा ऐसा आगजनी की प्रॉब्लम हो गई थी उधर भी, तो मौके पर देखने आने के बाद देखा तो नुकसान काफ़ी हो रखा था, चारों तरफ आगे आग ही दिख रही थी वैसे। और इसका अप्रोक्सीमेशन तो थोड़ा हम कैलकुलेट करेंगे और अपना जो हमारी हायर अथॉरिटीज है उनको रिपोर्ट भी करेंगे, और फिर सरकार इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको आग लगने का कारण है उसका, किस तरह से आग लगी आया, किसान खेत में आग लगाते हैं या कोई शॉर्ट सर्किट की आग लगी। टोहाना में आईपीएल क्रिकेट मैच पर रोजाना करोड़ों रुपए का क्रिकेट सट्टा खेला जाता है। आईपीएल के आधे से अधिक मैच बीत जाने के बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। सूत्रों की माने तो टोहाना के मुख्य रतिया रोड, वाल्मीकि चौक, चंडीगढ़ रोड व रेलवे रोड पर ज्यादातर जगह पर क्रिकेट बुकीज शाम के 6 बजने के बाद ही बैठने शुरू हो जाते हैं। जो क्रिकेट हर एक गेंद पर लाखों रुपए का सट्टा लगाते हैं। कुछ दिन पहले शहर पुलिस द्वारा न्यू प्रभाकर कॉलोनी में भी छापेमारी की गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रह गए थे। वहीं फतेहाबाद पुलिस ने आईपीएल पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी की है। अब देखना होगा कि टोहाना पुलिस आईपीएल पर लगने वाले करोड़ों के सट्टे के इस काले कारोबारों पर कब तक कार्रवाई करती है या पूरा आईपीएल ऐसे ही निकल जाएगा। तो पुलिस की पूरी नजर है कि पूरे टोहाना शहर में आसपास कहीं भी किसी तरह की सट्टा जुआ कोई भी क्राइम ना हो। इस संबंध में हमने अपने पूरी तरीके से अपनी सीआईए टीम और थाना चौकी सारे स्टाफ की पूरी निगरानी के लिए आदेश कर रखे हैं, और पूरी तरह जल्दी ही हम इसको अगर कहीं भी अगर हमें चलता हुआ मिलेगा तो हम उसको पकड़ेंगे। और जनता से भी हम सहयोग करते हैं, अगर उनकी नज़र में कोई बात आए तो हमें सूचित करें। सर, ऐसी जगह है जहां पर अब भी जो आईपीएल है उसके सट्टे खेले जा रहे हैं, क्या उसके लिए पुलिस द्वारा कोई रेड रूल की जा रही है? नहीं, लगातार हम पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और हमारी रेडे भी चल रही हैं, और जैसे ही भी हमें मिलेगा हम सीधा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरस्वती नगर मुस्तफाबाद के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार सरस्वती नगर मुस्तफाबाद को ज्ञापन सौंपा। राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर के विद्यार्थियों ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर हरियाणा सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था, जो कि सरस्वती नगर के राजकीय स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है। इसके न तो आज तक भूमि का चयन हुआ है और न ही समस्याओं का समाधान हुआ है। इस कॉलेज में बीए और बीकॉम कोर्स के 425 से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई नाममात्र चल रही है, जिसका मुख्य कारण स्टाफ का न होना एवं अन्य बहुत सी समस्याएं हैं। उनका कहना है कि बीए कोर्स में 8 विषय हैं, जिनमें से मात्र 2 विषयों के स्थायी विषय के स्थायी अध्यापक ही उपलब्ध हैं। सभी विद्यार्थियों ने 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री के नाम से विंडो पर शिकायत भी दी थी और चेतावनी दी गई थी कि अगर 25 अप्रैल तक कोई शिक्षक नहीं आया तो विद्यार्थी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका अभी तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया और आज सभी विद्यार्थियों ने 26 अप्रैल को सरस्वती नगर तहसील में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। टोहाना गांव नांगला में पंचायत विभाग का अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां विभाग ने गली निर्माण के दौरान बिजली पोल को हटाने की जहमत भी नहीं उठाई है। अब इस गली के बीचों बीच बिजली के अनेक पोल लगे हुए हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। इस मामले को लेकर एसडीएम ने संबंधित विभाग से बातचीत करके पोल हटाने के बाद कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बीडीपीओ कार्यालय द्वारा रू अर्बन मिशन के तहत सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं सड़क के बीचों बीच बिजली के पोल लगे हुए हैं, जिन्हें हटवाया भी नहीं गया है। ये बिजली के पोल कभी भी किसी हादसे का कारण बन सकते हैं, जिसको लेकर विभाग गंभीर नहीं है और विभाग की इस लापरवाही के खिलाफ खड़े होकर ग्रामीणों ने काम को बंद करवा दिया है। ग्रामीणों की माने तो वे इस काम को लेकर जजपा प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह से भी मिल चुके हैं। उन्होंने बीडीपीओ को फोन किया, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं प्रधान हूँ गाँव के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति से, तो इसके बारे में हमें गए थे माननीय सरदार निशान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जजपा, और उनसे हमने लिखवाया था भी 8 पोल ये सड़क के बीच में आ रहे हैं और काम विकास कार्य पे चला हुआ है, और जो नालियां हैं उनकी सामग्री गलत लग रही है, कच्ची सामग्री लगा रहे हैं, रेती लगा रहे हैं,
तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था करीब 20 दिन पहले कि हम इसको आज ही घुड़वा देंगे। उसी टाइम उन्होंने BDPO को कॉल भी की थी और सेक्रेटरी को बोला भी था, मगर आज तक 20 दिन के बीच में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हो पाया जिससे कि हम ये समझें कि काम बढ़िया प्रगति पर चल रहा है। यहाँ आप नाली की तरफ एक फोटो लेना, उसको देखना कि कितना बुरा हाल है। जी हाँ, कुछ संज्ञान में आया हमारे कि जो एक गली का निर्माण होना है उस कार्य में वहाँ पर बीच में पोल्स हैं, तो संबंधित विभाग जो है उनको पत्राचार उनसे कर लिया गया है ताकि वो तुरंत प्रभाव से जल्दी जो है अपना नियम अनुसार उनको पोल्स को हटाएं ताकि वहाँ पर गली का निर्माण किया जाए। किस विभाग द्वारा ये काम किया जा रहा है? पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत की गली का निर्माण किया जाना है और इसमें यह संज्ञान में आते ही कि वहाँ पर जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसकी फिजिबिलिटी जो है उसमें कुछ बाधाएं हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा के और नियम अनुसार उसका कार्य किया जाएगा। क्या काम को बंद कर दिया जाएगा? जी हाँ, फिजिबिलिटी और कंप्लीट सारी चीजें पूर्ण होने के उपरांत इसको पुनः शुरू किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।